जनपद में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में 86 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और 16 की संख्या में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसके कारण 16 मोबाइल टीमों का गठन किया गया है, 55 चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है और 140 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये सभी नियमित रूप से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एनजीआरएफ की टीम लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है और स्वास्थ्य विभाग नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से सतर्क है। उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग स्वच्छ जल पिएं, खाने के पहले हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोएं, बिस्तर पर सोते समय अपने पैर को पानी से अच्छी तरह से धोएं और किसी भी रोग या संक्रामकता की स्थिति में 108 या 102 एम्बुलेंस का सहारा लें और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमेशा तत्पर है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, सर बाढ़ क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और जो महरूम गांव है क्या क्या व्यवस्था? देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ 86 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं और हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो 16 की संख्या में प्रभावित हैं और हमने जो है 16 मोबाइल टीमों का गठन किया है, 55 चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई है और 140 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। ये लोग नियमित रूप से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर आवश्यक औषधियों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, संक्रामक रोगों से बचाव की शिक्षा दे रहे हैं, स्वच्छ जल पीने की सलाह दे रहे हैं और साथ ही साथ जो है उनको क्लोरीन टैबलेट और ब्लीचिंग पाउडर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है कि क्लोरीनेटेड वाटर पी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बाढ़ग्रस्त एरिया में संक्रामक रोग जैसे है उल्टी टट्टी पेट दर्द, चर्म रोग, कंजंक्टिवाइटिस और इस शिकायत होती है और ख़ास करके जो है चूँकि बिलों में पानी भर जाता है तो सांप के काटने की संभावना अत्यधिक होती है, तो इसलिए एआरवी की भी व्यवस्था की गई है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में चूँकि गर्भवती माताओं को प्रसव के दौरान कोई असुविधा न हो तो इसके लिए भी उपाय किए गए हैं। नियमित रूप से हम लोग इस पर निगरानी कर रहे हैं और क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने पा रही है। इंद्र देवता का प्रकोप कल और आज गोरखपुर में थमा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पर नदियों में पानी जो छोड़ा गया है उसकी वजह से हमारी नदियों में स्तर में बढ़ा। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगातार जो है बाढ़ग्रस्त का निरीक्षण कर रही हैं, बंधों की रखवाली कर रही हैं और हम लोग जो है स्वास्थ्य के प्रति सजग सतर्क हैं, लगातार अपने अपने क्षेत्रों में सब लोग कार्रवाई कर रहे हैं। किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए गोरखपुर का स्वास्थ्य विभाग और गोरखपुर का प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और निश्चित रूप से मैं गोरखपुर निवासियों को अनुरोध करना चाहूँगा कि जो हमारी एनडीआरएफ के लोग और जिला प्रशासन के द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए जा रहे हैं उसका सब लोग शत प्रतिशत पालन करें, स्वच्छ जल पिएं, खाने के पहले हाथ को साबुन से अवश्य धुलें, बिस्तर पर लेटते समय अपने पैरों को काफ़ी पानी से जो भीगे रहते हैं उनको सूखे कपड़े से सुखा लीजिए तब जाइए और किसी भी रोग या संक्रामकता की स्थिति में आप हमारी 108-102 एम्बुलेंस का सहारा लीजिए। हमारे आपके क्षेत्र में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निरंतर आपकी सेवा के लिए तत्पर है। सर कंट्रोल रूम बनाया गया? हाँ, हमारे यहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया, वो भी नियमित रूप से कार्य कर रहा है।